आता था, लेकिन यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं ये ग्लॉस में आ रहा है और यहाँ पर फ्रंट में देख पा रहे हैं ये मेड ब्लैक में आपको यहाँ पर मिल जाता है ये वाला डिजाइन, और साथ ही यहाँ पर आपको सिल्वर कलर में ये यामा का यहाँ पर डिजाइन मिल जाता है। नीचे ये बाई फंक्शनल LED यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिल जाता है। DRL देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले वाला जो है वही मिलता है, यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं मिलता है। इसमें आप मॉडिफाई करा सकते हैं, साइड से देख पा रहे हैं ये वाला वाइजर यहाँ पर देखिए ये आपको अपडेट मिलता है। ये जो ग्राफिक्स है ये ग्राफिक्स में आपको चेंजेज मिलता है। क्विक शिफ्टर चूंकि ये टॉप मॉडल है और ये वर्जन है तो यहाँ पर क्विक शिफ्टर इस बाइक में मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस बाइक में आपको मिल जाएगा। दोस्तों नीचे वाला जो काउल देख पा रहे हैं एल्युमिनियम कलर में ये वाला मिलता है यामा का, यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिलती है। इसका इंजन पूरा तरह से जो पैकेज है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर मैट फिनिश में जो प्लास्टिक की कलर आती है दोस्तों ये वही है, लेकिन यहाँ पर काफी खुरदरा सा है और काफी खूबसूरत है दोस्तों। ये इसका यहाँ पर चेचिंग मिल जाता है दोस्तों मैट ब्लैक कलर में। नीचे देख पा रहे हैं ये इसका जो है ब्रेक मिल जाता है, और ये वाला जो है फुटरेस्ट राइडर वाला देख पा रहे हैं ये आपको एल्युमिनियम का एडजस्टेबल मिल जाता है जैसा पहले था, और ये वाला यहाँ पर पिलियन वाला देखिए ये भी आपको एडजस्टेबल मिलता है। काफी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, और ये देखिए एग्जॉस्ट में यहाँ आपको चेंजेस मिलता होगा, यहाँ पर आपको अपडेट मिलता है। ये वाला जो चीज है दोस्तों ये आपको फुल्ली फाइबर मिलता है और ये ग्रे कलर में मिलता है, और इसका जो सर्फेस है ये पूरा खुरदरा सा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपको ये भी फाइबर मिलता है ग्रे कलर में। नीचे जो है इसका मैट ब्लैक कलर में ये एग्जॉस्ट मिलता है। थोड़ा सा इस बाइक को हम अगर रेयर से देखते हैं, देखिए टेल लैंप है ये LED में है, यहाँ पर कोई भी चेंजेज नहीं मिलता है। 30,035 रुपए आपको इसकी डाउन पेमेंट आने वाली है। 6,162 रुपए के आसपास आपको इसकी मंथली EMI आने वाली है। ट्रेड की अगर बात कर लूँ कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसमें, तो इसमें जो तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो, और देख सकते हैं फाइनली हमारे सामने प्रेजेंट है यामाहा की R15 वर्जन 4.0 जो न्यू वाली रेड कलर जो है 2024 की मॉडल वो हमारे सामने प्रेजेंट है आज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बाइक की मंथली EMI और डाउन पेमेंट के बारे में। उससे पहले मैं जो थोड़ी फीचर्स है वो बता दूंगा और क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बाइक में, जो 2024 में क्या क्या चेंजेस आपको इस बाइक में देखने के लिए मिलेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप लोग इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं 2024 में तो इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि जो है इसकी मंथली EMI और डाउन पेमेंट क्या आने वाली है। जो लो डाउन पेमेंट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो बने रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के अपडेट पाने के लिए गाइस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे अगर मैं इसकी थोड़ी सी फीचर्स बता दूँ पहले, तो पहले आप लोग इसकी की देख लीजिए कि कुछ इस तरीके की की आ जाती है, दो की आपको मिल जाती है। यहाँ पर यामाहा का लोगो आपको दोनों साइड में मिल जाता है। तो इसको जो है ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो है मीटर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑन हो जाती है। ऊपर में आपको यहाँ पे गियर बताने वाली है कौन से गियर पे आपकी गाड़ी चल रही है, RPM यहाँ पे बताने वाली है, यहाँ पे आपको टाइमर दिया गया है, यहाँ पे स्पीड देखने के लिए मिल जा रही है। मोड दो तरह के दिए गए हैं, ट्रैक एंड स्ट्रीट मोड, तो यहाँ पे आपको मोड बताने वाली है। बाकी इस बटन को यहाँ से नीचे से प्रेस करके जो इसका ट्रैक वगैरह है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रिप वगैरह सॉरी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रिप अगर इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ट्रिप 2, फिर यहाँ पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे किलोमीटर वगैरह शो करने वाली है। फिर इसको इधर साइड में प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरेज वगैरह सब कुछ शो करने वाला है। यहाँ पे एक बार और प्रेस करता है इसे तो ये देख सकते हैं कि बैटरी वगैरह का जो हेल्थ है वो चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाली है। 12.5 का वोल्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है अभी। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे मीटर कंसोल दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कूलेंट वगैरह आपको बता रहे हैं, कूलेंट का जो टेम्परेचर वो सब आपको यहाँ पे बता रहा है। बाकी यहाँ पे डिजिटल लाइट की अगर बात कर लूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद जो है आपको यहाँ पे लाइट दी गई है ये कॉलिंग के लिए और मैसेज के लिए। यहाँ पे जो है कूलेंट कम होने की जो रिमाइंडर है वो आपको यहाँ पे शो करने वाली है, लाल कलर में देखने के लिए मिल जा रही है। बाकी यहाँ पे ABS के लिए लाइट दिया गया है, हार्ड RPM के लिए लाइट आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, इस साइड में न्यूट्रल के लिए लाइट दिया गया है, यहाँ पे इंडिकेटर के लिए, पासिंग के लिए, इंजन माल फंक्शन का लाइट आपको यहाँ पे नीचे में देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे पासिंग, यहाँ पे इंडिकेटर। और एक बार इसे स्टार्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि पासिंग है कहाँ काम कर रहा है, यहाँ पे आ रही है ठीक है। बाकी स्टार्ट हो गई तो मैं आपको इसका जो है हेडलाइट सेटअप दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं जो इसकी DRL है कुछ इस तरीके की आपको DRL आ रही है। यहाँ प्रोजेक्टर में आपको हेडलाइट देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे इंडिकेटर थोड़ी सी हार्ड में आ जाती है, लेकिन ये जो है अभी कोई अपडेट नहीं किया गया है, हेलोजन में ही आपको देखने के लिए मिल जा रही है। अपडेट की अगर बात कर लूँ कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसमें, तो इसमें जो USD फॉक्स जो अपसाइड डाउन USD फॉक्स सस्पेंशन जो गोल्डन कलर की आती थी वो आपको आपको ब्लैक में ही देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पुरानी वाली मॉडल है उसमें आपको गोल्डन कलर की USD फॉक्स सस्पेंशन देखने के लिए मिलती थी।
लेकिन अभी जो न्यू वाली मॉडल आई है, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर में है, इसमें भी आपको ब्लैक देखने के लिए मिल रही है गाइस, और इसमें भी आपको ब्लैक देखने के लिए मिल रही है। बाकी ये जो स्टिकर ग्राफिक्स है वो आपकी थोड़ी चेंज कर दी गई है, गोल्डन कलर की आपको ये चीज़ कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्रंट से भी ये दो चीज़ें जो है मेन चेंज की गई है। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो लॉक सिस्टम है यहाँ पे थोड़ी सी अलग साइड से कर दी गई है। इस साइड से यहाँ से ओपन करना, बस यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये ओपन हो जाएगी। बाकी देख सकते हैं कि सीट स्पीड में आपको आ जाती है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, प्लेन सीट भी काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिलने वाली है। टेल लाइट का सेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि कुछ इस तरीके की लुक में आपको टायर देखने के लिए मिल जा रही है। हेलोजन में आपको नंबर प्लेट का बॉल आ जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जा रही है, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन। फीचर कार्ड वगैरह कुछ इस तरीके की आ रही है जो कवर कर रही है काफ़ी। एग्जॉस्ट देख सकते हैं कि सिंगल मफलर में फाइबर में ये चीज़ देखने के लिए आपको मिल जा रही है गाइस। बाकी एक बार इसकी एग्जॉस्ट के साउंड में आपको सुना देता हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे धुआं दी थी क्योंकि मतलब अभी तो ये बंद थी ना, तो गोदाम से निकलवा करके ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ गाइस, तो इसी वजह से ठंडी थी गाड़ी, तो इसलिए स्मोक वगैरह दे रही थी थोड़ी। बाकी यहाँ पे अगर इसकी इंजन की बात कर लूँ तो 155 सीसी का आपको इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व लिक्विड कूल SOH FI इंजन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। 18.4 PS की मैक्स पावर दी गई है जो 10,000 RPM की पावर को जनरेट करती है, और 14.2 Nm आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है जो 7,500 RPM पे पावर को जनरेट करता है। इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है आपको 11 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। 6 गियर ट्रांसमिशन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं गाइस, और डुअल चैनल ABS के साथ में ये बाइक आ जाती है। दो तरह के मोड आपको इसमें दिए गए हैं, ट्रैक है और स्ट्रीट मोड आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। 142 kg की टोटल वेट इस बाइक की होने वाली है। बाकी यहाँ पे एक बार इसकी जो है फ्रंट टायर की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो इसकी डिस्क दी गई है 282 mm का आपको डिस्क देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे टायर देख सकते हैं कि 180/17 की आपको टायर देखने के लिए मिल जा रही है, देख सकते हैं। और यहाँ पे रियर टायर की अगर मैं बात कर लूँ तो 220 mm का आपको डिस्क देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे जो इसकी टायर साइज दी गई है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बाइक को आगे कर दिया है ताकि आप लोग को क्लियर दिख सके, देख सकते हैं 140/17 R17 की आपको टायर देखने के लिए।